अखिल भारतीय कांग्रेस में शुक्रवार रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी AICC में बड़े स्तर पर हुए फेरबदल करते हुए नई टीम तैयार की है। इनमें कई नेताओं की छुट्टी की गई है तो कई नेताओं को प्रमोशन भी दिया गया है। सोनिया गांधी की नई टीम में कुछ ऐसे नेताओं को भी बड़े पदों पर नियुक्ति दी गई है जिन्होंने राजस्थान में आए सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने के साथ ही विधायकों को एकजुट रखने और विपक्ष को लगातार घेरने का काम किया था। इन नेताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, विवेक बंसल, देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे को सोनिया गांधी ने अहम जिम्मेदारियां दी हैं। इन नेताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बेहद करीबी माना जाता है। बताया जाता है कि इन नेताओं को सरकार बचाने के तौर पर ही इनाम दिया गया है। सचिन पायलट खेमे के बगावत करने के बाद गहलोत सरकार पर आए सियासी संगठन के, जब गहलोत के विधायक बाड़ाबंदी में गए थे तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा विधायकों को एकजुट रखने और नई रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं के हाथों में थी। ये नेता पूरे एक माह तक विधायकों के साथ बाड़ाबंदी में रहे थे। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के समय भी हुई बाड़ाबंदी की कमान इन्हीं नेताओं के पास थी। कांग्रेस आला कमान के पास पल पल की रिपोर्ट भी भेजी जाती थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला सियासी संकट के बीच विपक्ष खासकर BJP पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे। सोनिया गांधी की नई टीम में रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बढ़ाया गया है। उन्हें पार्टी महासचिव बनाने के साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सोनिया गांधी को सलाह देने वाली 6 सदस्य कमेटी में भी स्थान दिया गया है। राज्य के नए प्रभारी अजय माकन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सदस्य बनाया गया है। बाड़ाबंदी के दौरान गहलोत कैंप के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल रहे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल को सोनिया गांधी को सलाह देने वाली 6 सदस्य कमेटी में भी स्थान दिया गया है। इसके अलावा राज्य के पूर्व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्थायी सदस्य बनाया गया है। पांडे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। पांडे की सचिन पायलट से लंबी अदावत रही है। वहीं राजस्थान के सह प्रभारी विवेक बंसल का भी कद बढ़ाकर उन्हें प्रमोट किया गया है। बंसल को पड़ोसी राज्य हरियाणा का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है। विवेक बंसल की गिनती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में होती है। बंसल 2 बार राजस्थान के सह प्रभारी रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के एक और सह प्रभारी रहे देवेंद्र यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यादव को उत्तराखंड का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इधर बगावत के बाद घर वापसी करने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का नाम AICC पदाधिकारियों की सूची से गायब है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को अपनी नई टीम में शामिल नहीं किया है, जो कांग्रेस हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।